हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस इन स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे प्री डिफाइंड फंक्शंस या जो हमारी जो सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं उसके अंदर जो भी स्ट्रिंग्स से रिलेटेड फंक्शन है वो क्या है और उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, मैंने सिर्फ एक कुछ ही एग्जाम्पल्स लिए हैं। तो कुछ फंक्शंस के मैंने यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, देखिए। जैसे कि पहला है स्ट्रिंग कॉपी, strcpy, इसको हम पढ़ते हैं स्ट्रिंग कॉपी। ये दो स्ट्रिंग्स को कॉपी करने में काम आता है। इसका सिंटेक्स कैसे, देखिए strcpy ब्रैकेट के अंदर है s1 और s2। इसमें क्या होगा कि s1 की पहले s1 आएगा, फिर s2 जो होगा वो वैल्यू इसके अंदर कॉपी हो जाएगी। मतलब s1 हमारा सेम हो जाएगा s2 के साथ, ठीक है। अब क्या होगा कि नेक्स्ट हम करते हैं जो उसका टाइप है कैरेक्टर टाइप है, मतलब एक वैल्यू जो हमें मिलेगी वो कैरेक्टर टाइप की ही मिलेगी, मतलब स्ट्रिंग मिलेगी, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है कि स्ट्रिंग कैट strcat मतलब अपेंड करना हमारी स्ट्रिंग को, एक के बाद एक को डालना, पहले मतलब कॉपी करना, हटा कि पहली वाली जो करती है उसको हटा दो और दूसरी डाल दो उसके ऊपर, ठीक है। अब दूसरी वाली क्या है कि अपेंड करना स्ट्रिंग को, भाई S1 और S2 मतलब S2 की वैल्यू उठाओ भाई S1 में डाल दो, ठीक है भाई। अपेंड करना, अपेंड कर रहे हैं मतलब वैल्यू डालने का मतलब कि पहले S1 आएगा फिर उसके पीछे S2 की वैल्यू लग जाएगी और वो किस में जाएगी, वो S1 में जाएगी सारी मिला के, ठीक है। चेंज किस में कर रहे हैं, S1 में। ये चीज़ याद रखने वाली है कि जो चेंज है वो हमारा S1 में हो रहा है, अपेंड किस में हो रहा है, S1 में। अब नेक्स्ट मैंने देखो ये इसका भी मैंने टाइप के लिए कैरेक्टर टाइप, क्योंकि हमें जो मिलेगी स्ट्रिंग मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, हमें कंपेयर करना है दो स्ट्रिंग्स को। दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने का मतलब क्या होता है कि उसका पहला अल्फाबेट और दूसरे वाले का पहला अल्फाबेट ऐसे कंपेयर करते जाएंगे कि भाई दोनों चीज़ें जो है सेम है या नहीं है। इवन ये अपर लेटर लोअर केस लेटर में भी चेक होती है। अगर मैंने अपर लेटर में दीपक लिख दिया, लोअर लेटर में दीपक लिख दिया, तो दोनों अलग है इसके लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करना है दो स्ट्रिंग को, तो S1 और S2 को कंपेयर करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 0 या 1 की फॉर्म में आएगी कि भाई ये ट्रू है या नहीं है, इसलिए इसका रिटर्न टाइप क्या है दोस्तों, इंटीजर। अब नेक्स्ट है हमारे पास रिटर्न स्ट्रिंग लेंथ, मतलब strlen, ये हमारा एक फंक्शन है और इसके अंदर जो भी हम स्ट्रिंग डालेंगे वो उसकी लेंथ हमें बता देगा। तो जैसे कि मैंने दीपक डाला तो उसकी लेंथ क्या है 6, मगर आउटपुट क्या आना चाहिए 7, वो हम देखेंगे कि 6 आएगा 7, क्योंकि एंड ऑपरेटर भी लेता है नल वैल्यू वाला, तो इसका आउटपुट देखने वाला होगा कि strlen के अंदर आएगा क्या एग्जैक्टली, पर वैल्यू क्या आएगी, जो उसका डेटा टाइप होगा वो होगा हमारा इंटीजर टाइप का, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास, strchar s int c, फाइंड कैरेक्टर इन स्ट्रिंग। इसके अंदर हम एक कैरेक्टर को सर्च करते हैं कि कहाँ है या नहीं है। तो आई थिंक आप ये चेक करिएगा, शायद मैं इसका सिंटेक्स गलत लिख दिया है, क्योंकि मुझे खुद कंफ्यूज हो गया कि int c जो लिख दिया, int l या कुछ भी है। बट अब फिलहाल देखते हैं इसको कि फाइंड ए कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग, कि कोई कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं है। तो इसके अंदर जैसे मुझे सर्च करना है तो मैं पहले स्ट्रिंग का नाम लिखूंगा, उसके बाद जो सर्च करना है वो कैरेक्टर लिख दूंगा। अगर वो सर्च हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो आउटपुट देगा ही, ठीक है। ऐसा ही नेक्स्ट है हमारे पास, फाइंड स्ट्रिंग S2 इन स्ट्रिंग S1। एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि दीपक मेरा नाम है, तो जैसे इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ, इसी के अंदर नाम के अंदर से E और P एक साथ आती है ना, मुझे ये सर्च करनी है कि क्या ये एग्जिस्ट करती है दीपक के अंदर या नहीं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, str S1 और S2। S1 क्या मेरा दीपक और S2 क्या हमारा EP। अगर उसको EP मिल जाएगा तो वो मतलब वैल्यू को कुछ ना कुछ शो करेगा, नहीं तो वो कुछ एरर जनरेट कर देगा। तो कुछ देखते हैं कि एग्जांपल्स की हेल्प से कि कैसे होते हैं दोस्तों। एक लेता हूँ मैं एग्जांपल strcpy। इसमें क्या होता है कि स्ट्रिंग को कॉपी करना है, मतलब इट इज़ यूज टू कॉपी वन स्ट्रिंग टू अनदर स्ट्रिंग, द कंटेंट ऑफ सेकेंड स्ट्रिंग इज कॉपीड टू द फर्स्ट स्ट्रिंग। तो सिंटेक्स क्या है, strcpy स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2। अब मैंने देखिए छोटा सा एग्जांपल भी ले लिया है कि कैरेक्टर S1 ले लिया मैंने, कैरेक्टर S1 जो कि स्ट्रिंग बनाएंगे जिसे हम, जो 10 उसकी लेंथ है इक्वल टू, उसके अंदर मैंने डाल के पहले ही डिफाइन कर दिया है हेलो। ऐसे ही मैंने दूसरा लिया है S2 जिसकी भी लेंथ मैंने 10 दे दी, उसके अंदर मैंने लिख दिया डियर। अब क्या करना है हमें, इसके अंदर हम यही करेंगे कि जो स्ट्रिंग लगाया, स्ट्रिंग कॉपी हमने लगाया, और क्या करेंगे
एस वन और एस टू डाल दिया, प्रिंट ऑफ स्ट्रिंग आफ्टर कॉपी इस एंड, उसके बाद हमने पुट्स लगाया। पुट्स क्या होता है हमने बताया था ना शो कराने के लिए। एस वन क्या होगा हमारा, हेलो प्लस डियर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऊपर वैसे गलती होगी शायद, मैंने ये बताया था कि स्ट्रिंग कॉपी में क्या होता है कि सेकंड वैल्यू की वैल्यू, सेकंड स्ट्रिंग की वैल्यू उठ के स्ट्रिंग वन में चली जाती है, जो उसकी पहली वैल्यू होती है वो खत्म हो जाती है। बट ये गलत है शायद, क्योंकि अगर ये काम करता है तो स्ट्रिंग अपेंड का भी हमने किया हुआ है जो स्ट्रिंग कैट के नाम से है, उसमें क्या होगा तो ये दिखने वाला है। मैं प्रोग्राम को आपको अलग से ही प्रोग्रामिंग के अंदर अलग से दिखाऊंगा कि क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिंग सी एम पी, मतलब कंपेयर करना, द कंटेंट ऑफ द टू स्ट्रिंग्स हम कंपेयर करते हैं। इसमें जो भी अगर मिसमैच होगा तो वो हमें आउटपुट जनरेट कर देगा कि भाई गलती है भाई ठीक कर लो। इसमें क्या होता है जो ASCII वैल्यू होती है वो चेक होती है पहले की पहले से, दूसरे की दूसरे, तीसरे की तीसरे से, ये एलिमेंट्स की वैल्यू। ठीक है, तो जैसे करेक्टर ले लिया दोस्तों, मैंने स्ट्रिंग एस वन 10 इसमें हेलो लिखा है, करेक्टर एस टू 10 इसमें मैंने गुड बाय लिखा है। तो मैंने फंक्शन लगाया जो हमारा इनबिल्ट फंक्शन है स्ट्रिंग सी एम पी एस वन और एस टू। क्या होगा कि भाई अगर ठीक है तो वो बता देगा कि नॉट सेम, बट इसमें जो होता है आउटपुट हमारा नेगेटिव में आता है हमेशा, याद रखिएगा कि भाई अगर ठीक है तो ठीक भाई स्ट्रिंग्स आर सेम, अदरवाइज वो क्या प्रिंट करेगा कि इट इज़ नॉट सेम। तो जैसे कि जब ये कंपेयर करने गया तो देखिए क्या हुआ कि H की वैल्यू, तो जो ASCII वैल्यू होती है वो होती है 72 और G की वैल्यू होती है वो होती है 71, वो भी कैपिटल लेटर्स में। ठीक है, जब इसने आपस में मैच के पहले ही अल्फाबेट को भैया तो ये 71 और एक 72 है गलत हो गई, तो उसने आउटपुट जनरेट कर दिया कि स्ट्रिंग्स आर नॉट सेम। तो इस तरीके से हम और भी जो इसके फंक्शन है उसको कर सकते हैं। आप प्लीज़ इसको बुक से रेफर कीजिएगा कि बहुत सारे फंक्शन है जो शॉर्टकट में हम यूज़ करते हैं, इसके लिए हमें स्पेशल प्रोग्रामिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास जो और भी फंक्शंस है इसके, प्री डिफाइंड स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग करेक्टर, स्ट्रिंग str, जो दो स्ट्रिंग्स को आपस में फाइंड करने में काम आता है, वो भी यूज़ करके देखिएगा आप, बड़ा मज़ा आएगा। बल्कि एक शॉर्टकट है, मतलब एक टॉपिक मुझे लगा जरूर कराना चाहिए। तो ये हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसको आप लाइब्रेरी में जाके भी देख सकते हैं कि कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा जो स्ट्रक्चर्स का टॉपिक है वो करेंगे। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस सब्जेक्ट में, क्योंकि स्ट्रक्चर के बाद ही जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है वो स्टार्ट हुआ था, या कह सकते हैं कुछ टॉपिक डेटा स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर्स में भी आते हैं। तो टॉपिक तो इम्पोर्टेंट है ही है, चाहे अब क्योंकि अब ये लगा लीजिए इस टॉपिक के बाद इंजीनियरिंग का जो टॉपिक है वो स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। तो इस ट्यूटोरियल में इतना ही है, जाने से पहले भैया क्लिक करके जाना सब। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू, बाय, टेक केयर।